सात आठ दोस्त हैं, उनके नाम मुंह जबानी याद है। मैंने सोचा था कि कभी अवार्ड मिलेगा तो उनका नाम लूंगा एकदम। वंटी, सुशील, अनूप, राजन, महेंद्र, भोपाल। 11वीं 12वीं से थोड़ा थोड़ा स्कूल बंक करना चालू। कई बार उन्हें लगता है कि शायद मैं भूल गया मुंबई जाके। और जो उस दिन पिटाई हुई है उसका जिक्र हम आज भी करते हैं कि कौन कौन क्या बोल रहा था। ये एक डंडा इस हाथ पे पड़ रहा है तो बोल रहे सर पहली गलती आखिरी गलती, पहली गलती आखिरी गलती। बेहतर भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, दोनों ही चीज़ें हैं सर। मतलब पॉसिबिलिटीज है, मैं ये नहीं रख रहा हूँ कि अगर नहीं जी आप तो देख ही रहे हो मैंने शिक्षा नहीं की और मैं यहाँ तक तो पहुँची कि नहीं 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 ये तो बकवास है। पढ़ाई अगर आपने वो समझ ली तो कैसी भी पढ़ाई हो आप बड़ी आसानी से कर जाओ। दीपक जी, कहा जाता है कि जो बचपन की दोस्ती यारी और बचपन की जो यादें होती हैं जीवन भर साथ रहती हैं, आपको हमेशा याद रहती हैं। तो क्या ऐसा आपके जीवन में भी है, ऐसे कुछ दोस्त या फिर ऐसे कुछ किस्से जो आप हमसे शेयर करना चाहें? जी बहुत बहुत, मेरे तो वो जो सात आठ दोस्त हैं उनके नाम मुंह जबानी याद है। मैंने सोचा था कि कभी अवार्ड मिलेगा तो उनका नाम लूंगा एकदम। वंटी, सुशील, अनूप, राजन, महेंद्र, भोपाल। 11वीं 12वीं से थोड़ा थोड़ा स्कूल बंक करना चालू किया और हमारे इर्द गिर्द तीन सिनेमा थे, प्रिया सिनेमा, फिर चाणक्य और दूसरा अनुपम जो PVR है। तो इन तीनों में अलग अलग फिल्में लगती थी और हम ये था कि फिल्में देखते हैं क्या। वर्ल्ड सिनेमा तो नहीं था उतना ज़्यादा, बट फिर भी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स थी, परफॉर्मेंसेस थी, तो हम भाग भाग के जाते थे और समझ में नहीं आता था कि अरे किस तरह की परफॉर्मेंस है ये, कौन से प्लैनेट की परफॉर्मेंस करते हैं लोग, ये तो बहुत ही अलग है। उनके साथ बिताए हुए जो एक एक दिन है वो अलग ही एजुकेशन है, वो अलग ही कहानियाँ हैं। एक एक चीज़ याद है मुझे, मतलब आज भी जब हम बात करते हैं बहुत इतनी मस्तियाँ की हैं, हम मिलते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ उनके साथ, कई बार आता हूँ जब फ्री होता हूँ, तो कई बार उन्हें लगता है कि शायद मैं भूल गया मुंबई जाके। तो मैंने उनको उनकी ही लाइफ के कुछ ऐसे किस्से बताए जो वो खुद भूल गए थे। तो मैंने कहा नहीं भूला नहीं हूँ मैं तो मुंबई में, और मैं तो सब वही यादें मेरी लर्निंग है, वही यादों में तो मस्ती थी, वही यादों में तो उमंग थी। तो सबसे बड़ी बात है उमंग, मस्ती, फिजिकलिटी, स्पोर्ट्स और एक्सप्रेशन, या कि एक दूसरे से एक्सप्रेस करना, बताना, जानना कहाँ कहाँ, वो अलग ही दुनिया होती है जो दोस्तों की दुनिया होती है, बहुत ही अलग दुनिया होती है। कुछ ऐसी बात जो आज आप भी याद करते हैं और हंसने लग जाते हैं? स्कूल का 8वां एक पीरियड था और उसमें हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे और पता था कि प्रिंसिपल साहब जो गए हुए हैं बाहर, PTA साहब भी गए हुए हैं, और हम अंताक्षरी खेल रहे थे और गाना चल रहा था गोविंदा आलारे, और वैसे करके डांस भी कर रहे थे, और पता चला कि दरवाजे पे हमारे PTI सर, प्रिंसिपल साहब और क्लास टीचर, 5 टीचर्स खड़े हैं और हम डांस कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठक आ जाओ नीचे। वो बाहर गए तो हमें लगा कि स्कूल में कोई है ही नहीं, पता चला कि सारे स्कूल के बच्चे अपने वो बैल्कनी से हमें देख रहे हैं ऊपर से, जो बरामदा होता है सब में, आ जाओ देखो देखो ये तुम्हारे सीनियर्स देखो। और फिर टीचर ने बोला कि कौन कर रहा था, तो एक 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 हमारा क्लोज फ्रेंड था, वो भी वो डर गया, उसने कहा सर 6 थे वो, मैं नहीं, मैं तो अपना अगले सब्जेक्ट का काम कर रहा था, मैं क्यों बोलूँ। तो उसे वो मुकर गया कि सबकी पिटाई होगी, तो उसने बोला सर 6 थे वो जो अंताक्षरी खेल रहे थे। तो 6 नहीं, नाच तो पूरा स्कूल रहा था, क्लास भी थी, नहीं नहीं। तो फिर वो 6 निकाले, तो सबने कहा अपनी मर्जी से आ जाओ बाहर, नहीं तो अगर बुलाने पे आए, पहचान करने पे आए तो फिर डबल पिटाई होगी। तो सबसे पहले और जो आएगा अपनी मर्जी से उसको मैं कुछ छोड़ दूंगा, उसको रियायत मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने हाथ किया एंड फिर सारे मुझे पता था तू तो एक नंबर का है। सबसे शरारती तो तू ही लगता है इधर आ जा। तो मैंने नहीं सर नहीं नहीं मैं आ गया। फिर दूसरा आया एंड वहाँ पे हमारी सबकी पिटाई हुई, और अब मानेंगे नहीं पिटाई हो रही, हम हंस रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि दूसरा वाला जो फ्रेंड है इसकी ज़्यादा पिटाई हो, और हम हंस रहे हैं और उसको हंसा रहे हैं और आवाज़ें निकाल आया। तो वो जो आवाज़ें, वो 4 बंदे हंस रहे, प्रिंसिपल ने देख लिया कि अभी रुक जाओ तुम्हें तो बहुत फुर्सत से धोऊंगा। और जो उस दिन पिटाई हुई है उसका जिक्र हम आज भी करते हैं कि कौन कौन क्या बोल रहा था, एक कह रहा था पहली गलती आखिरी गलती पहली गलती, तो वो रैप बन गया था, है ना, कि एक डंडा इस हाथ पे पड़ रहा है तो बोल रहे सर पहली गलती आखिरी गलती पहली गलती आखिरी गलती पहली गलती। डर बहुत रहता था, डर रहता था, लेकिन उसी डर में हमने कुछ ज़िंदगी के कुछ उमंग, उड़ान या अलग दुनिया भी देखने की कोशिश की। जब इंसान के अंदर थोड़ा सा खौफ आता है ना तो वो बदतमीज़ हो जाता है, वो थोड़ा सा
और बड़ा आसान सा वो तरीका मान रखा है कि ऐसा होता ही होता है। नहीं नहीं नहीं, उसका भी उसकी डेयरिंग ये है कि आपको आपको इज्जत के साथ रहना है चाहे कितना भी खौफ हो, तो वो जीत है असली। एंड वो जीत वहाँ तक ज्ञान ही ले जा सकता है ना। बड़ा आसान होता है, हाँ मेरे साथ ये हो रहा था एक्सक्यूज देना, मेरे साथ ये वो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, मेरे साथ ये वो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो तो हर कोई करता है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें सिखाई मतलब उस दोस्ती ने, जो मेरे वो जो 8-10 दोस्त थे, पूरा क्लास थी जो 12th बी बेगमपुर।